थंबनेल पर क्लिक करने के लिए शुक्रिया। अगर आप भी कहानियाँ पढ़ने और सुनने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप हैं इस वक्त हिंदी साहित्य वार्ता चैनल के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है, लेकिन कुछ एक विद्वानों का मत है कि इनकी जो पहली कहानी है वो है इश्के दुनिया व हुब्बे वतन, जिसमें सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की भावना है। लेकिन फिर भी अधिकतर विद्वानों का यही मत है कि इनकी जो पहली कहानी है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं और जो आज मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त हैं। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की, तो यह 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी तो ये इनकी है ही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वह कौन सा कहानी संग्रह था जिसमें प्रेमचंद जी ने अपनी इस प्रसिद्ध कहानी को संकलित किया था, तो वो इनका कहानी संग्रह था सोजे वतन। और ये वही कहानी संग्रह था जिसको देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजों ने बैन कर दिया गया था, और उसके पश्चात ही प्रेमचंद जी ने अपने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में देश प्रेम और देशभक्ति को उजागर करने वाली कहानी है। चलिए अब हम इसकी जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो इनकी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है, इसमें पात्रों की अधिकता नहीं है। मुख्यतः दो पात्रों के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा कथानक घूमता रहता है, और कम पात्रों के बावजूद भी प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है, और जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमुख पात्रों में, तो पहला जो पात्र है इसमें रूपवती दिलफरेब और दूसरे जो इनका प्रेमी है दिलफिगार, इन दो प्रेमी प्रेमिकाओं के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा कथानक घूमता रहता है। लेकिन अन्य जो सहयोगी पात्र हैं वो हैं काला चोर, बुजुर्ग और सिपाही, तो लगभग 5 ही इसमें मुख्य रूप से पात्र माने जाते हैं। अब रुख करते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की ओर। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? क्या कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कहां हैं, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। आकाश
कोई मेरा भी मददगार हो जाता। आकाश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे, दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए थे, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी थीं, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांध खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जगत से, इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहां की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। मां गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउज और जामे जम और आबे हयात और जरे पर वीज सब न्योछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनू सवाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूं, दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की डेहड़ी पर जाकर विनती की
कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयां कर दी। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूं, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूं, इसलिए कि तुझ में वो गुण मौजूद हैं जो मैंने अपने प्रेमी में देखे हैं या देखना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आपदार मोती से ज्यादा हो। हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबतियां कश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार कराओ। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गर्ज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियादी मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरानी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहां तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोहलों सिंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चल निकला। अब कि ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है।
आखिरकार वह शहर मीनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ट्योड़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की बहुत ही बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसान मंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर तब मेरे पास आ, मैं तहे दिल से दुआ करती हूं तू जरूर कामयाब हो। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चोबदार ने मुलायमित से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समंदर में गोते खाने लगा। दिलफिगार का हियाब छूट गया, उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिजर गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों आग बरसाने वाले रेगिस्तानों कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा और जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी, चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी? मरने वालों का करहाना सिसकना और एड़ियां रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और यहां लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से करहाने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं, यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए।
पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि इस वक्त यह मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं, इधर भूला भटकता हुआ आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहां की कुल कैफियत बयां कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर, पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही दो अंगुल जमीन है मेरे पास, बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहां ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर। हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देते हैं। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के काट के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ती थी, आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया, खुद हसबे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रतन जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। बस इतनी सी थी यह कहानी। शुक्रिया।